नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। मैं सबसे पहले जहां दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, पंडाल में तो है ही बड़ी संख्या में लोग, पंडाल के बाहर भी इस समय दोपहर में जब बिल्कुल सूरज हमारे सर पर है, बड़ी संख्या में हमें मंच के बाएं से लेकर के दाएं सड़क तक और पीछे जहां कहीं थोड़ी बहुत छाया भी मिल रही है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ साथी अर्जुन के पेड़ पे चढ़ गए हैं, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, आजमगढ़ के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि इस बार यहां की जनता ने जो मन बनाया है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। और इधर न जाने क्या हो जाता है दूसरे लोगों को, आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है। और इतनी परेशानी हो रही है कि आजकल उनके भाषणों में भाषा बदल गई है, जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है, इस बार 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। ये जो 400 पार का नारा थोड़ी देर में समझ में आया, जिन लोगों को गिनती ठीक ठाक मालूम होगी और हिंदी को समझते होंगे सही तरीके से, 400 पार का मतलब तो यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है। तो अगर 400 पार का 543 में नारे को अगर हम समझें तो ये केवल 143 सीटें बनती हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है पहले चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना जो 400 पार का नारा दे रहे थे 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो लोग बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गए थे उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है और नीचे जाते जा रहे हैं, इतना गिरते जा रहे हैं कि वो हो सकता है न जाने कहां पहुंच जाएं। और जो ये 2 चरण आखिरी बचे हैं, ये 6वां और 7वां, अभी तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है, और जब 7वें चरण में पहुंचेगा चुनाव तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी के आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई, और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में। न केवल लागत बढ़ी है
बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ा करके इन्होंने हमारे गरीब किसान खेतीबाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कारोबारियों का जो कर्जा माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए इस मौके पर हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं, आपने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। उन्होंने जब नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का कर्ज बैंक से है और 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारा गरीब और किसान केवल लाखों में कर्ज लेता है। इन्होंने 26 लाख करोड़ अभी तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया पिछले 10 साल में, लेकिन उसके 10% भी अभी किसानों का कर्ज जो माफ नहीं हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये फैसला लेकर के चला है, न केवल कर्ज माफ होगा बल्कि अपने किसानों को लिए जो कानूनी अधिकार की लड़ाई थी कि एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिल जाए, तो किसानों को कर्ज माफी के साथ साथ उनकी फसल की पैदावार के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उन्हें खुशहाल बनाने का काम भी होगा। वहीं यहां हमारे नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत मेहनत तैयारी कर करके परीक्षाएं देने जाते थे और पिछले 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाए। न इस सरकार ने नौकरी दी, न इन नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार दिया, और जब कभी भी हमारा नौजवान तैयारी कर करके परीक्षा देने गया तो जब मालूम पड़ा और वो घर लौट करके आया तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग परीक्षा दे करके आए होंगे वो जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, और अभी तक जो गिनती आ रही है वो गिनती आ रही है कि 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है, और इसलिए कराया कि जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न मिल जाए। कभी कभी मैंने गणित लगाया उसका, अगर 60 लाख बच्चे छूट गए जिनकी परीक्षा होनी थी, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई, अगर उनके मां बाप को भी हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, अगर एक परिवार के 3 सदस्य प्रभावित हैं उससे, तो अभी तक जो परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। अगर हम 3 का गुणा 60 लाख में कर दें तो ये कुल मिलाकर के 1 करोड़ 80 लाख होता है, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। कोई भरपाई हो तो बता दो कि 2,25,000 वोट कहां से लाओगे? कोई भरपाई का रास्ता हो तो बताइए बीजेपी के लोग। इन नौजवानों का जहां भविष्य छीना है, आप सोचना जाकर के ये नौकरी केवल नहीं छीनी है,
बल्कि आपका एक तिहाई जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद हुआ है। और जो लोग ये कहते थे कि निवेश लाएंगे, निवेश निवेश को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के विदेशों तक बीजेपी के लोगों ने धोखा देने के लिए निवेश के आयोजन किए। पहले निवेश दी किए, फिर डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, फिर जनता को गुमराह करने के लिए G20 के आयोजन हुए, लेकिन कोई भी निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। जो सरकार कहती थी लाखों करोड़ का निवेश आया है, अगर जमीन पर एक भी कारखाना और एक भी उद्योग लगा हो तो बताएं आप। भूल जाइए और उत्तर प्रदेश, लेकिन हमारे आजमगढ़ के भाई बहनों बताओ, अगर एक भी कारखाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां लगा हो तो बता दें। कोई कारखाना नहीं, केवल झूठा निवेश का आंकड़ा दिखाना। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। इंडिया गठबंधन सरकार में बनते ही 30 लाख नौकरियों को खोलने का काम करेगा और अपने नौजवानों को आरक्षण का पालन कर करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम होगा। न केवल 30 लाख नौकरियां, बल्कि जो अग्निवीर वाली व्यवस्था थी जिसमें बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में भर्ती होते थे, जाके उन्हें वर्दी पहनने को मिलता था, पक्की नौकरी मिलती थी, इस सरकार ने उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। अगर शहीद होगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेगा, और 4 साल के बाद घर वापस भेज देंगे। हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि यह अग्निवीर व्यवस्था कभी भी लागू नहीं होगी। सब सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म करा करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वही फौज की पक्की नौकरी दिलाने का काम भी हम लोग नौजवानों को करेंगे। इनके 10 साल में हर बात झूठी निकली इनकी, इनका हर वादा झूठा निकला। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनकी कोई बात जमीन पर नहीं उतरी। जो कभी जुमला लेकर के आए थे वो ही आज गारंटी लेकर के आए हैं, और गारंटी में कुछ मिलना नहीं है किसी को। जब इनके पहले घोषणा पत्र में कुछ नहीं लागू हो पाया तो बताओ गारंटी में क्या लागू हो जाएगा। और गारंटी जो लेके आए हैं सब झूठी गारंटी हैं। इसलिए जहां मैं आपसे अपील करने आया हूं, वहीं मैं आपको सावधान करने भी आया हूं। ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल साजिश कर करके झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया, और इनका एक एक अगर हम फैसला देख लेंगे तो फैसला जनता के खिलाफ लिए हैं। जिन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी हो, बेरोजगारी बढ़ा दी हो, और जो लोग यहां पर हैं वो खुद महसूस करते होंगे कि इनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। यहां जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं वो जानते होंगे, जब खाद खरीदे होंगे तो इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, अब 10 किलो की चोरी हो रही है। यहां किसान भाई होंगे वो जानते होंगे, DAP खरीदने गए तो इन्होंने जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी, और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवाई क्योंकि इन्हें कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना था। इन्होंने भरोसा दिलाया था कि नैनो यूरिया के बाद किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी,
न पैदावार बढ़ी, न कोई खेती को लाभ पहुंचा। और सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो बनाने वाली कंपनी भी और वो साइंटिस्ट लोग भी भारत छोड़ करके चले गए। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है, संविधान को बचाने का भी है। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो 400 पार का नारा दिया था, वो इसलिए दिया था कि वो संविधान से छेड़खानी करना चाहते थे, संविधान बदलना चाहते थे। लेकिन जो लोग ये सपना लेकर के निकले हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने वालों को इस बार आजमगढ़ की जनता बदलने का काम करेगी। ये लोग जो डबल इंजन वाले हैं, ये जो डबल इंजन सरकार वाले हैं, आजमगढ़ में तो नए तरह का मामला है। यहां डबल अभिनय वाले लोग हैं, डबल इंजन वाले तो हैं ही हैं, लेकिन डबल अभिनय वाले भी यहां पर हैं। इसलिए उनसे भी सावधान रहना। और जितना भी काम समाजवादियों ने किया वो सब खराब कर दिया, चाहे वो एम्बुलेंस हो वो खराब हो गई, चाहे वो 100 नंबर बनाई हो वो व्यवस्था खराब हो गई, और 100 नंबर के अलावा जो अस्पताल या जो बिजली का इंतजाम किया था वो भी खराब कर दिया। और जहां बिजली आनी चाहिए थी, लेकिन बिजली के साथ साथ बताओ आपका बिल बढ़कर के आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल तो बढ़ा ही दिया। और अगर जब कभी बाजार से बिजली ले वो दवाइयां लेने जाते होगे तो बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? ये नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाते थे, आज से 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की आ रही कि नहीं आ रही? केवल डीजल पेट्रोल नहीं, गाड़ी से लेकर के हर चीज महंगी कर दी। इसलिए जहां महंगाई को रोकना है और जो लगातार ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, और वो कोरोना वाले समय पर जो वैक्सीन लगाई थी उसकी भी पोल खुल गई। अब तो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाई है, जो लग गई है वैक्सीन, वो हम वापस ले लेंगे। बताए हमें कोई कि जो वैक्सीन शरीर में पहुंच गई वो वापस कैसे आएगी? अगर कोई तरीका हो तो बता दो। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिससे पैसा ना वसूल लिया हो। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए इन्होंने, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया, कोई चंदा इतना नहीं देता था जितना इन्होंने वसूला है। चंदा लेना या देना हजारों में होता है, लाखों में होता है, कोई करोड़ों में चंदा नहीं देता। इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके चंदा वसूल लिया, और चंदा वसूलने का परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। इसलिए आप सबसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं कि आजमगढ़ का चुनाव अलग तरह का चुनाव है, पूरा देश देख रहा है। और अभी तक के चरणों में तो बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है, अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। कितनी सीटों पे बचा है चुनाव? 27 सीटों पे है चुनाव। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है
जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। बताओ आजमगढ़ की सीट कोई पीछे है? आपके लालगंज की सीट कोई पीछे है क्या? आपके बगल की मऊ की सीट बताइए आप, अंबेडकर नगर की सीट बताइए आप, संत कबीर नगर में पप्पू निषाद लड़ रहा क्या सीट पीछे है? कोई सीट पीछे नहीं है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। जो लोग G20 लेकर के घूम रहे थे, G20 ये जो G20 है उस पार्टी में केवल दो लोगों की चलती है, बाकी सब जीरो हैं। ये जो G20 के बारे में कहते थे कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर सम्मान बढ़ाया देश का, वो G20 केवल G2 है उसमें, बाकी उस पार्टी में जीरो हैं। और हमारे जो लखनऊ वाले हैं इधर सुनने में आए, इनकी भी भाषा बदल गई है। ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें पता ही नहीं है कि लीकेज कहां पर है। इस बार जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें लीकेज ही नहीं पता, जिसके कारण सब पेपर लीक हो रहे हैं। बताओ सब पेपर लीक करा दिए कि नहीं करा दिए? और कोई किसी को आरक्षण नहीं ले रहा, किसी का कोई नहीं छीन रहा है। अगर किसी ने धोखा दिया आरक्षण को लेकर के तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के फैसले, जिन्होंने हमारे आपके आरक्षण छीनने का काम किया है। ये 69,000 वाले जानते होंगे, सालों साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, न जाने कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इनकी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में जितनी जगह खाली है वो तो भरी जाएगी, इसके साथ साथ जो हमारे इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ आरक्षण को लेकर के, उसका भी समाधान किया जाएगा। केवल एक विभाग नहीं, हर विभाग में न जाने क्या किया है सरकार ने। और हमने तो कई बार कहा और सावधान किया कि अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले आ गए तो और विभागों की भी, और हमारी ये खागी पहनने वाले भाई हैं इनकी भी नौकरी कम हो जाएगी। कभी कभी पूछते ही नौकरी कैसे कम हो जाएगी, तो हम उनसे कहते कि बताओ जो सरकार ने फैसले लिए ऐसे एयरपोर्ट को बेचने का, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट बिक जाएगा? किसी को नहीं पता था कि रेल बिक जाएगी, किसी को नहीं पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि LIC बिक जाएगी, किसी को नहीं पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि आउटसोर्स में नौकरियां चली जाएंगी, किसी को नहीं पता था कि GST के छापे मार करके व्यापारियों से पैसा वसूला जाएगा, और किसी को पता था कि अग्निवीर वाली नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या किसी को पता था कि आधी रात में नोट बंद हो जाएंगे? तो अगर नहीं पता था तो हो सकता है इन लोगों की भी नौकरी 3 साल की हो जाए। इसलिए सावधान है कि नहीं सावधान सब लोग? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। धर्मेंद्र यादव जी पिछले चुनाव में रह गए थे किसी कारण, लेकिन इस बार तो
इंडिया गठबंधन का कमाल चल रहा है, अलग तरह का कमाल हो रहा है। और अब तो गुड्डू जमाली भी साथ आ गए हैं। बताओ गिनती बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और रही बची गिनती, बताओ पीडीए परिवार ने बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और हम तो ये जानते हैं, ये पीडीए परिवार जो जुड़ गया है, जमाली जी जुड़ गए हैं। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी, 4 तारीख को देख लेना आप, नई फिल्म रिलीज होगी कोई, जिसको पूरा देश देखेगा। जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ढूंढे जाएंगे भाजपा वाले कि कहां है भाजपा वाले। इसलिए अभिनय के चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप लोग, ये अभिनय बहुत ऊपर तक होते हैं, ऊंचाई तक चले जाते हैं कई बार। इन अभिनय करने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये अभिनय वाले जो पूरे के पूरे जुटे हुए हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक, बताओ आपके अधिकारों को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? और आपका जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज के लोगों ने भी पूरा समर्थन देने का काम किया है। मैं तो अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि अगर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो बीजेपी ने बीएसपी से अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए हैं। इसलिए सावधान है कि नहीं है? और 4 तारीख को रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब वोट डालने आप जाओगे उस समय के लिए सावधान है आपके नहीं है? ये अगर रोकेंगे तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? खैर आजमगढ़ वाले तो नहीं रुकेंगे। आजमगढ़ वाले तो रुक तो नहीं पाओगे? वैसे बहुत जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई वोटर रुका नहीं। और जैसे जैसे ये लोग हारते जा रहे हैं, तो इनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप वोट डालने वाली तारीख को तैयार रहेंगे, 25 को? ये छठवें चरण का चुनाव, ये छठवें चरण का चुनाव इन्हें न जाने कहां भगा देगा, आउट कर देगा बिल्कुल, जो गिनती कर रहे थे बड़ी वाली। इसलिए आप सबसे हमारा विशेष निवेदन और अपील है कि धर्मेंद्र यादव जी को आपके बीच भेजा है, ये लगातार आपके बीच रहेंगे। और आजमगढ़ से और हम लोगों का, समाजवादियों का रिश्ता कोई नया नहीं है, वो बातें दोहरानी नहीं है। इससे गहरा रिश्ता किसी से नहीं हो सकता है जैसा रिश्ता हमारा और आपका है। और इसीलिए आजमगढ़ हमेशा प्राथमिकता पे विकास में रहा है, चाहे हमें बड़ी सड़क बनानी पड़ी हो। ये जो बड़ी सड़क बनी है आगरा लखनऊ वाली से जुड़ गई पूर्वांचल वाली, और चाहे मेडिकल कॉलेज बनवाने हो, सड़कें चौड़ी देनी हो, अस्पताल से लेकर के 100 नंबर की गाड़ी से लेकर के एम्बुलेंस, सब कुछ नेताजी और समाजवादियों ने किया है। इस विकास में कहीं पीछे नहीं रहने देंगे आजमगढ़ को। इसलिए जहां आजमगढ़ की खुशहाली के लिए काम करेंगे, वहीं अगर आजमगढ़ का कभी भी सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग सम्मान बढ़ाने का भी काम करेंगे। और अभी देखा भी होगा, जब एमएलसी बनाने का वक्त आया तो सबसे आगे आजमगढ़ ही दिखाई दिया हमें। और रहा बचा मामला, जमाली साहब समझा लेंगे और बना देंगे। ये तो ऐसे ही कह दिए 2 लाख। मैं समझता हूं जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरह का है उत्साह लोगों के अंदर, देश की जो बड़ी जीतें होंगी उसमें आजमगढ़ शामिल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले।
देश की बड़ी जीतों में शामिल हो जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कन्नौज से भी पीछे रह जाओ? कहीं ऐसा तो नहीं है कन्नौज से पीछे रह जाओ? इसलिए आजमगढ़ के लोगों, देश की बड़ी जीत में शामिल होना, देश की बड़ी जीत में हो जाओगे सब लोग, इसलिए मदद करना, यही सहयोग, यही मदद मांगने में आया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के पीडीए परिवार को जहां ताकत दोगे, वहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए एक एक वोट डालेंगे। और संविधान बचाने की ये बड़ी लड़ाई है, जहां एक तरफ संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरे हम सब लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो वो लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो देश से हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। और संविधान बचा करके हम आपके अधिकारों को, आपके सम्मान को, और जो अधिकार हमें मिले हैं उन अधिकारों को दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।